नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने धनु लग्न में शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और चंद्रमा आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके दसवें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 12 जुलाई से, और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके छठवें भाव में विराजमान हैं 1 मई 2024 से। तो देखिए, लग्न पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है 12 जुलाई से। आपको क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद से बचें। और आपके लग्न के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से, तो आप शत्रु और विकारों को लेकर के चिंतन करेंगे। अपने हेल्थ को लेकर के आपका फोकस अच्छा रहेगा। अगर आपने कोई पालतू जानवर पाला हुआ है तो उसके प्रति आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे आपके दूसरे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे आपके कोष के लिए शुभ फल मिलेगा। आपके पारिवारिक रिश्तों में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके तीसरे भाव में ही विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में। तो 17 जनवरी 2023 से आपके पराक्रम से आप धन की वृद्धि कर रहे होंगे और धन के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ा हुआ होगा। तीसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव विराजमान रहेंगे। और शनिदेव आपके तीसरे भाव के ही स्वामी भी हैं। तो तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर बढ़ा रहे होंगे। और यहाँ पे 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक जब शनिदेव वक्री होंगे तो आप अपने आप में पराक्रमी महसूस करेंगे। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो वे पराक्रमी रहेंगे और आपके छोटे भाई बहन से आपके संबंध में मजबूती भी लाएंगे। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो आपके चौथे भाव में राहु विराजमान हो गए तो यहाँ पे आपकी माता के स्वभाव में थोड़ा जिद बड़ा होगा 30 अक्टूबर से। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको गुरु का फल 4 जून से ज्यादा देखने मिलेगा। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको सुख मिलेगा, मामा मौसी से आपको सुख मिलेगा और आपको एसिडिटी की थोड़ी बहुत समस्या भी आपको हो सकती है 4 जून से। पांचवें भाव में आपके मंगल विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है। हालांकि चंद्रमा देखिए यहाँ पे 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपके पांचवें भाव में विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो पांचवें भाव में आपके मंगल विराजमान हो गए 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। तो यहाँ पे आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा। प्रेमी या प्रेमिका अगर आपके कोई हैं तो उनके स्वभाव में क्रोध बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेज अगर जा रहे हैं तो विवाद से बचना है, कोई भी विवाद में ना पड़े, मतलब किसी के साथ झगड़ा में ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और चंद्रमा भी आपके चौथे भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके चंद्रमा विराजमान हो रहे हैं तो थोड़े बहुत आपके बच्चे चंचल रहेंगे 1, 27, 28 और 29 तारीख को। हालांकि देखिए, चंद्रमा जो है आपके आठवें भाव के स्वामी है, जो कि आपके पांचवें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो आपके बच्चे हो गए या फिर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहे हैं, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है। और देखिए, आपके शनि की नीच की दृष्टि भी आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, पांचवें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर देखिए यहाँ पे गुरुदेव जब तक विराजमान थे ना आपके पांचवें भाव में,
तो भी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ पढ़ पा रहे थे, पर पढ़ाई में अड़चने उनकी बढ़ी होगी 1 मई 2024 से। और अभी देखिए यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और शनिदेव आपके 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री हो रहे हैं और वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो पढ़ाई में आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई में दिक्कतें बढ़ेंगी। और चंद्रमा भी आपके 1, 27, 28 और 29 तारीख को जब आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे तो पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें उत्पन्न कर सकते हैं। पढ़ाई में आपको ज्यादा मेहनत करना है स्टूडेंट्स को, खासकर साधना अगर आप करते हैं तो साधना के लिए भी आपको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखना है। छोड़िए मत साधना, प्रयास कीजिए डेली करने का। हालांकि देखिए मंगल यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं 1 जून से 11 जुलाई तक, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके पढ़ाई में कुछ उनको सुधार देखने मिलेगा, पर यहाँ पे 12 जुलाई से दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, तो पढ़ाई पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जो भी एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना या फिर कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपके काम में भी बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा होगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ बाधाएं आपकी बढ़ सकती हैं आपके काम में 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा आपके काम को लेकर के। और छठवें भाव में आपके गुरु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल 12 जुलाई को विराजमान हो रहे हैं और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है, तो मंगल देखिए यहाँ पे आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं जो कि छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपको आपके बच्चों को थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है 12 जुलाई से। 12 जुलाई से आपके बच्चों को कुछ भी आप डायरेक्ट मत बोलिए, देखिए कोई भी चीज को वो जल्दी बुरा मान जाएंगे। ये जो समय रहेगा ना आपके बच्चों को आप समझाने भी जाएंगे तो वे आपके बात को नेगेटिव वे में लेंगे और कहीं ना कहीं अंदर में वे आपके बात को नहीं मानेंगे और नेगेटिव थॉट्स आपके प्रति आ सकता है। और वहीं आपके प्रेम संबंध में भी आपके बहुत डिप्लोमेटिकली आपको हैंडल करना है, सोच समझ करके बात करना है, बात को एकदम बहुत नपातोला अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ भी समझाने का प्रयास करेंगे तो वे आपके बात को नेगेटिव वे में ले सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपना शत्रु मान सकते हैं। और गुरु आपके छठवें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु जो विराजमान हो रहे हैं ना उनका फल आपको 4 जून से ज्यादा देखने मिलेगा, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनसे थोड़ी बहुत मतभेद हो सकती है, मामा मौसी से मतभेद हो सकता है, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ सकते हैं। कोई भी अनवांटेड फालतू खर्चा ना करें, ऋण लेने से बचें, यानी कि लोन लेने से आप बचें, क्योंकि 4 जून के बाद अनवांटेड खर्चे आपके बढ़ सकते हैं जिसके कारण आपको लोन लेना पड़ सकता है, तो लोन से बचें। रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है, यानी कि आपको डायबिटीज हो सकता है, शुगर हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, फेफड़ों में दर्द की समस्या आपको हो सकती है, तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कीजिए, कोशिश कीजिए अलोम विलोम करें, 1 घंटा वॉकिंग अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस से थोड़ा बहुत संभल करके बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पाउस के साथ आपके थॉट स्ट्रक्चर नहीं मैच कर सकते हैं। और मंगल यहाँ पे देखिए आपके जो विराजमान हो रहे हैं 12 जुलाई से, तो मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो 12 जुलाई से आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे और आपके पैसे और संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करेंगे। ये जो पीरियड रहेगा ना, अगर आप खर्च आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पर कर रहे हैं या फिर कोर्ट कचहरी के मामला में कर रहे हैं तो आपको उससे विजय भी प्राप्त होगा, यानी कि आपके फेवर में चीजें आ सकती हैं। और गुरु जो विराजमान है आपके लग्न के स्वामी है और आपके चौथे भाव के स्वामी है जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे वाहन और घर को लेकर आपकी थोड़ी बहुत समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। सातवें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है, और सूर्य देखिए यहाँ पे आपके नवम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके सातवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं 14 जून से 15 जुलाई तक। और शुक्र जो विराजमान है वे आपके छठवें भाव के स्वामी है और आपके ग्यारहवें भाव के स्वामी है जो कि आपके सातवें भाव में विराजमान हो रहे हैं, और आपके सातवें भाव के जो स्वामी है आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है ना वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है, तो सातवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक, तो 29 जून से 18 जुलाई तक आपकी स्पाउस की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है और आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के भी योग बने हुए हैं,
और सूर्य जो विराजमान है आपके सातवें भाव में, तो सातवें भाव में देखिए यहाँ पे आपके सूर्य द्वारा केंद्र त्रिकोण राज्यों का भी निर्माण हो रहा है। तो आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए वे आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। और अगर आपका कोई काम फंस रहा है ना, तो 14 जून से 15 जुलाई तक अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद कर रही है तो उनके थ्रू अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए फलदायी रहेगा। भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी आप काम करेंगे तो ये जो पीरियड रहेगा आपके लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगा। आठवें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई को, सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई को, और बुध विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए यहाँ पे शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। और आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। तो देखिए आठवें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई से, तो 7 जुलाई से 30 जुलाई तक शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है तो उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और आपके मामा मौसी की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है 7 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। और जब चंद्रमा आपके आठवें भाव में 7 और 8 तारीख को विराजमान होंगे तो कोई भी नदी समुन्दर तालाब या कोई भी पानी की जगह जाने से आप बचें, क्योंकि यहाँ पे ये दिन जो है थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है, तो पानी की जगह पे ना जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 और 8 तारीख को आपके ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है और आपको चोटपाट भी लग सकता है। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके नवम भाव के स्वामी है, जो कि आपके अष्टम भाव में 16 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। देखिए 16 जुलाई से ना आपका नसीब थोड़ा आपका कम साथ देगा। और बुध जो विराजमान है वे आपके सातवें भाव के स्वामी है और आपके दसवें भाव के स्वामी है, जो कि आपके दसवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी स्पाउस की थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है, पिता की स्वास्थ्य का आप ध्यान दें, पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, काम में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और मंगल की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके ससुराल वालों से थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, विवाद से बचें। नवम भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से, शुक्र 31 जुलाई से, और मंगल की दृष्टि 12 जुलाई से पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। और आपके नवम भाव के स्वामी जैसा कि मैंने आपको बताया आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है ना वो होता है आपके भाग्य धर्म जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए बुध जो विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से वे आपके जैसा कि मैंने आपको बताया आपके सातवें भाव के स्वामी है और आपके दसवें भाव के स्वामी है, जो कि आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई से। तो यहाँ पे 19 जुलाई से आपकी स्पाउस आपके लिए भाग्यशाली रहेगी, यानी कि बुध द्वारा आपके पत्रिका में बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आपकी स्पाउस आपके भागीदार आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे। अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो भागीदार से अगर आप वो काम करवाएंगे तो आपका काम निश्चित तौर पर होगा। और शुक्र भी देखिए यहाँ पे आपके 31 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं, तो शुक्र यहाँ पे देखिए आपके छठवें भाव के स्वामी है और आपके ग्यारहवें भाव के स्वामी है, जो कि आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए छठवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 31 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं। तो 31 जुलाई से आप ये नोटिस करेंगे कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हैं उनका ज्यादा अच्छा लक साथ दे रहा है आपके लक के मुकाबले। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके ग्यारहवें भाव के भी स्वामी हैं शुक्र, तो आपका इनकम के लिए आपका नसीब साथ दिलाएंगे, पर लक फैक्टर में आप ये नोटिस करेंगे कि आपके शत्रु का लक ज्यादा अच्छा साथ दे रहा है। वैसे भी देखिए शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, और 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं, यानी कि वक्री शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो थोड़ा नसीब आपका कम साथ देगा। आपके जीजा साली साला छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं, विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो विवाद और मनमुटाव से आपको बचना है। और दशम भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है ना वो होता है आपके बॉस पिता काम ऑफिस का होता है। तो दशम भाव में आपके केतु विराजमान है 30 अक्टूबर से, तो 30 अक्टूबर से आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, पर अचानक से काम में देखेंगे कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो जा रहा है। काम ठीक चलते चलते अचानक से काम गड़बड़ा जाएगा। पर यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि 1 मई से पड़ रही है। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है गुरु का फल आपको 4 जून से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो 4 जून से आपके काम में आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके दशम भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा, और पिता की स्वास्थ्य का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। पर वहीं दशम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 19 जुलाई से विराजमान होंगे। तो जो भी लोग देवताओं से संबंधित काम कर रहे हैं, पूजा सामग्री से संबंधित काम कर रहे हैं,
तो उनके काम में उनका भाग्य तो निश्चित तौर पर उनका अच्छा साथ देगा। और उसके अलावा भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे आपका नसीब आपका आपके काम में अच्छा साथ देने वाला है 19 जुलाई से, और आपके काम में आपको यश भी मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 11वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है। तो 11वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। तो 1 जून से 11 जुलाई तक आपको पैसे को लेकर के विवाद से बचना है। ये बात मैं बोल रहा हूं जो भी लोग व्यापार करते हैं उनके लिए, जो भी लोग व्यापार करेंगे पैसा अगर अटकेगा तो विवाद में नहीं पड़ना है। पैसे के लिए बहुत ही सोच समझ करके बात करें। देखिए व्यापार करेंगे तो पैसा फंसेगा ही, तो विवाद से बचना है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक। तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदारी द्वारा आपके काम में आपको लाभ होगा। अगर आपकी स्पाउस आपके साथ काम कर रहे हैं तो स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे 7 जुलाई से, तो यहाँ पे आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ सकती है, इनकम को लेकर के थोड़ी उत्पन्न हो सकती है 7 जुलाई से लेकर के जुलाई तक। और जब 31 जुलाई से विराजमान होंगे, तो 31 जुलाई से आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके काम में आपका नसीब साथ देगा, यानी कि आपका लाभ निश्चित तौर पर है। अगर आप पूजा पाठ